यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है और अब तक रेस में सबसे आगे मनोज सिन्हा को माना जा रहा था, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच यूपी के पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू लखनऊ पहुंच गए हैं। दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है तो लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की मांग को लेकर समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब तक मनोज सिन्हा का नाम फाइनल माना जा रहा था। आज सुबह से ही मनोज सिन्हा लगातार पूजा पाठ करते हुए नजर आए, लेकिन अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसे एक बार फिर से पेच फंसता दिख रहा है। यूपी की सियासत को लेकर बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इससे पहले ओम माथुर के घर पर बैठक चल रही थी, केशव प्रसाद मौर्य उनके बाद शाह से मिलने पहुंचे। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। ये लोग केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने पर अड़ गए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ थे। बताया जा रहा है कि ओम माथुर कुछ देर में पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूपी का सीएम कौन बनेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन समर्थक अपने अपने पसंदीदा सीएम को कुर्सी पर बैठाने के लिए बैठे हुए हैं और मथुरा में विधायक बने बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा के समर्थकों ने गोवर्धन में हवन किया और श्रीकांत शर्मा को सीएम बनाने के लिए प्रार्थना की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का तरीका, दोनों एक लंबी सोच और दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं। दोनों मिलकर 6-6 महीने पहले ही महत्वपूर्ण फैसले ले लेते हैं। मनोज सिन्हा के बारे में भी 6 महीने पहले ही फैसला ले लिया गया था। मनोज सिन्हा को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया था। यूपी बीजेपी में सीएम को लेकर चल रही अटकलों पे विपक्ष अटैक कर रहा है। एसपी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि पीएम से आग्रह करते हैं कि सीएम के पद का पर्दा हटाएं, और फिर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि बीजेपी बैंड बाजे से रणनीति कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। 2:25 पर पीएम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। किसी का फ्लेम तो आएगा। अरे पीटू काट दो, अरे अपने पीटू काट दे दो ना, तुम मलाई भी उठा के जाओ। तो केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर फैसला होगा। अरे यार एक मिनट रुको, विधायक दल की होने वाली बैठक के संबंध में चर्चा हुई है, कल शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा हुई है, आने वाले अतिथियों की व्यवस्था की चर्चा हुई है, शाम तक यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जानकारी आप सबको मिल जाएगी। केशव मौर्य होंगे कि नहीं होंगे, अब कौन होगा पहले बता दूंगा तो विधायक दल की बैठक का महत्व तो खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ठीक है जाओ। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शाम को विधायक दल की बैठक के बाद ही सीएम के नाम पर फैसला हो पाएगा और बैठक के बाद ही सीएम के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की उन्होंने बात कही कि इस विषय पर चर्चा की गई है, लेकिन सीएम के नाम का फैसला अभी शाम को विधायक दल की जो बैठक होगी इसके बाद ही साफ हो पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर,
यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की विधायक दल की जो बैठक शाम को होने वाली है उसके बाद ही सीएम के नाम पर अंतिम फैसला होगा। देहरादून में शुक्रवार को बीजेपी विधायकों की बैठक हुई जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह को राज्य का नया मुखिया बनाने का ऐलान किया गया। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र के कैबिनेट को मंत्रियों को शपथ की सूचना दे दी गई है और सीएम के साथ ही 9-8 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ भी लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें प्रकाश पंत, मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, मुन्ना सिंह चौहान और कई नाम शामिल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के खैरा सैन में जगह जगह पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाए जाने पर जश्न है और देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जमकर डांस किया। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से बाद नई सरकार बनने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में हारे हुए विधायकों और मंत्रियों के सरकारी ऑफिस और आवासों को भी खाली कराया गया। कल मंत्री रविदास मेहरोत्रा, उनके साथ कई विधायकों के अपने सरकारी आवास उनसे खाली कराए गए। पूरी कवायद में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि खाली हो रहे आवास और ऑफिस में जो ताले जड़े जा रहे थे वो कुछ खास थे। पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा के आवास पर जो ताला लगाया गया उस पर मोदी मैजिक लिखा था। किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफ की जल्दी की जाए मांग। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान फडणवीस ने कहा कि राज्य के किसानों के ऊपर करीब 30,500 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है और उन्होंने वित्त मंत्री से कोई ऐसी स्कीम लाने की मांग की जिससे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसानों के कर्ज का बोझ कम कर सके। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफ करने का ऐलान किया था और अब यूपी में पार्टी की जीत के बाद दूसरे राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफ करने का मुद्दा उठने लगा है। हरियाणा में आज जाट आरक्षण आंदोलनकारियों का धरना खत्म होगा। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 7 मांगे मान ली हैं। आपको बता दें कि 47 दिनों से जाट प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे थे। खुद को तमिलनाडु की पूर्व सीएम और एआईएडीएमके नेता जयललिता का बेटा बताने वाले एक शख्स शुक्रवार को हाईकोर्ट में उन्होंने पेशी की और उसके बाद नाराजगी का शिकार हो गए। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आर महादेवन ने गुस्से भरे लहजे में कहा कि वो इस आदमी को यहां से सीधे जेल भेज सकते हैं। आपको बता दें कि खुद को जयललिता का बेटा बताने वाले इस शख्स का नाम जे कृष्णमूर्ति है और कोर्ट में जे कृष्णमूर्ति ने कहा कि वो जयललिता और तेलुगु फिल्मों के हीरो शोभन बाबू का बेटा है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने कई दस्तावेज भी कोर्ट के सामने रखे। कृष्णमूर्ति ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसे जयललिता का बेटा घोषित किया जाए ताकि वो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके। कृष्णमूर्ति ने राज्य के डीजीपी से अपनी हिफाजत की भी मांग की है। उसने जयललिता के सहयोगियों और एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला की ओर से अपनी जान के खतरे का अंदेशा जताया है। महाराष्ट्र के भिवंडी से आ रही यहां एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और आग इतनी भयानक है कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फैक्ट्री में आग कैसे लगी अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। यूपी के सीतापुर में बीती रात ट्रेन हादसा हुआ। सीतापुर से दिल्ली जा रही सत्याग्रह एक्सप्रेस को तेज रफ्तार मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सत्याग्रह एक्सप्रेस की सीढ़ियों पर बैठे 4 लोगों के पैर कट गए। हादसे में कई अन्य लोगों को भी बुरी तरह चोटें आई हैं। घायलों को पहले सीतापुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
सत्याग्रह एक्सप्रेस के सीतापुर स्टेशन से निकलने के करीब 1 किलोमीटर बाद आउटर रेंज में तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। घायलों का आरोप मालगाड़ी के ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर पर है कि उन्होंने लापरवाही की है। कानपुर में गलत दिशा से आ रहे डंफर ने एक साइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौका देख आरोपी ड्राइवर फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मौके पर पहुंची क्षेत्रीय विधायक नीलिमा कटियार ने लोगों को समझाया। वहीं पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर कुर्की की कार्रवाई की। कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने कंपनी के दफ्तर पर घंटों छानबीन भी की थी। श्राइन सिटी के मालिक रशीद नईम के खिलाफ गोमती नगर थाने में एक महिला के यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला पहले से ही दर्ज है। इस दर्ज होने के बाद रशीद फरार चल रहा है। दिल्ली के द्वारका में सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल का शव संदिग्ध हालत में मिला। वो अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों की ग्रिल से लटके हुए मिले। शुरुआती छानबीन में से खुदकुशी का मामला बताया जा रहा है। 46 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश प्रकाश केरल के रहने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल पर सिलीगुड़ी में तैनाती के दौरान वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगा था और इसी की जांच की वजह से वो परेशान चल रहे थे। दिल्ली की हौजखास थाना पुलिस ने कार चोर के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों इंजन कंट्रोलिंग मॉड्यूल यानी ECM चिप की मदद से लग्जरी गाड़ियों की चोरी करते थे। इन चोरों के पास से 3 देसी पिस्टल, 6 कारतूस और एक हाईटेक कार का डिजाइनिंग किट भी बरामद किया गया है और पुलिस अब इस गिरोह की चुराई गई सभी गाड़ियों की लिस्ट बना रही है और उन्हें बरामद करने में जुटी हुई है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में मामूली बात पर एक व्यक्ति को कार से कुचल दिया गया। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को चाइनीज फूड शॉप के पास की ये वारदात है। फूड शॉप के मालिक ने कार के ड्राइवर से गाड़ी हटाने को कहा और इसी को लेकर दोनों में बहस हो गई। झगड़ा बढ़ता हुआ देख ड्राइवर भागने लगा और इसी दौरान जब फूड शॉप का मालिक रास्ते में आया तो ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। पुलिस कार के नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। मुंबई के धारावी में SBI बैंक के ATM में पैसे डालने आई एक कैश वैन से लुटेरों ने दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की। लूट की इस वारदात का एक CCTV वीडियो सामने आया है। CCTV में दो लुटेरे कैश वैन से लूटे गए कैश बॉक्स को ले जाते हुए दिख रहे हैं और इस वारदात को लुटेरों ने उस वक्त अंजाम दिया जब कैश वैन के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि वैन का सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा कर्मचारी ATM के अंदर पैसे भर रहे थे, जबकि आगे की सीट पर ड्राइवर अपने एक साथी के साथ बैठा हुआ था। उसी वक्त लुटेरे चुपके से कैश बॉक्स उड़ा ले गए और अब पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। फरुखाबाद में 27 फरवरी से लापता एक युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मुकेश नाम का ये शख्स 25 फरवरी को दुर्गेश नाम के एक शख्स से विवाद में फंस गया था। 2 दिन बाद ही मुकेश लापता हो गया। गुरुवार को अचानक दुर्गेश के घर से दुर्गंध आने के बाद पुलिस पहुंची। घर का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। शव को देखकर लग रहा था कि जैसे उसे जलाने की कोशिश की गई हो। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उत्तराखंड के उद्धम सिंह नगर में सड़क हादसा हुआ है। यहां पर काले खेड़ा थाना क्षेत्र इलाके में एक ट्रक पलटने से एक की मौत हो गई जबकि 35 लोग इस मामले में घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग कालू सैयद मजार से मत्था टेकने के लिए जा रहे थे और जिस वक्त ट्रक में ये लोग सवार थे वो रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक डंपर कर्मचारियों को ले जा रहा था और बुलेरो गाड़ी पर वो पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। सितारगंज में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन सख्त हुआ है।
एसडीएम ने कोतवाल के अवैध तरीके से मिट्टी खोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि सितारगंज में तुर्का तिसोरी के कैलाश नदी में 200-200 घन मीटर क्षेत्र में मिट्टी खनन की इजाजत दी गई थी, लेकिन यहां हजारों घन मीटर मिट्टी खोद डाली गई, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में पेयजल के सीवर का पानी आने से खासे लोग परेशान हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी है। दरअसल 2010 में कुंभ मेले के दौरान इलाके में नई पेयजल लाइन बिछाई गई थी, जिसे अब तक चालू नहीं किया जा सका, जिसके चलते ज्वालापुर की राजनगर कॉलोनी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा के भिक्यासैन के रहने वाले शातिर अपराधी राजेंद्र सिंह को मैनपुरी जेल से फरार हो गया है और इस पर लूट, हत्या, डकैती, चोरी और मारपीट का आरोप है। वहीं कुछ मामलों में वो आजीवन कारावास भी काट रहा है। शातिर अपराधी राजेंद्र सिंह जेल से फरार होने के बाद भिक्यासैन इलाके में दहशत है। राजेंद्र सिंह ने 2015 में रानीखेत के नजदीक 3 पुलिसकर्मियों की हत्या भी कर दी थी और अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। उत्तराखंड के श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल की हालत बेहद खराब है। यहां डॉक्टर्स की भारी कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अस्पताल इन दिनों संसाधनों की कमी से भी जूझ रहा है। अस्पताल के पास 3 एम्बुलेंस ही हैं, जबकि 2 एम्बुलेंस बीते 3 सालों से खराब पड़ी हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल एक रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहा है। नैनीताल में आवारा कुत्तों का बांध्यकरण किया जा रहा है, जिसके लिए अप्रैल से ये कवायद शुरू हो जाएगी। दरअसल नैनीताल में आवारा कुत्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जो कई बार सैलानियों को काट भी चुके हैं। अब प्रशासन इन कुत्तों को अंकुश लगाने के लिए बांध्यकरण की योजना तैयार कर रहा है, जो अगले महीने से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, भारत सरकार और नगर पालिका के संयुक्त अनुबंध के तहत आवारा कुत्तों का बांध्यकरण किया जाएगा। केदारनाथ धाम जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी 4 धाम और इनसे जुड़े मंदिरों में गंदगी फैली हुई है। भगवान तृतीय केदार तुंगनाथ के साथ भी खराब वहां पर हालत देखी जा रही है। सुविधाएं भी काफी कम है, यहां तक कि इतने पवित्र धाम में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई। चंपावत के पूर्णागिरी मंदिर में साफ सफाई के लिए 16 स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी, वहीं महिला स्वयं सेवकों की तैनाती की भी सिफारिश की गई। पूर्णागिरी धाम में साफ सफाई को लेकर दुकानदारों को भी उनकी दुकान से 15 मीटर तक सफाई की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंदिर परिसर के नजदीक पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। कानपुर में एक और फाइनेंस कंपनी जनता के करोड़ों की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर फरार हो गई। आम जनता को लोन दिलाने के नाम पर उसने पैसे लिए और अब कंपनी अपना ऑफिस कर बंद फरार हो गई। रेल बाजार थाना इलाके में कुछ समय पहले जर्नी ग्रुप के नाम से एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ऑफिस खुला। धीरे धीरे इस कंपनी ने प्रदेश में 25 जिलों में अपना ऑफिस खोल लिया और कई कर्मचारियों को भी नियुक्त करा। अब पीड़ित उपभोक्ता और कर्मचारी पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। मऊ जिले के निजी नर्सिंग होम में आग लगने से हालात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल किया गया। दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मिलकर इसका आयोजन किया। आग को बुझाने के साथ साथ मरीज या फिर आम जनता को किस तरह से आग से अपना निपटारा करना है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही गर्मियों की शुरुआत होती है तो आग लगने के मामले भी लगातार बढ़ते जाते हैं। 30 जून तक आग लगने के सबसे ज्यादा आसार होते हैं, जिसको रोकने के लिए इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के नवागढ़ विधानसभा में शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। टेमरी गांव में शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस में झड़प हो गई। दरअसल शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर शुक्रवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक अमित जोगी के नेतृत्व में ग्रामीण टेमरी के नेशनल हाईवे पर जाम किया गया, जिसे पुलिस ने हाईवे से 200 मीटर दूर ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हो गई। देश में जल्द प्लास्टिक का नोट चलन में होगा शुरू और केंद्र सरकार ने RBI को 10 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने की मंजूरी दे दी है। कल वित्त मंत्री
वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में इसकी जानकारी दी। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अक्षय कुमार का धन्यवाद दिया। ट्वीट कर रमन सिंह ने कहा कि शहीदों के परिवार वालों को उदार सहयोग करने के लिए अक्षय कुमार आपका धन्यवाद। इसके साथ ही आपका एक कदम प्रेरणादायक है। पाकिस्तान में एक दूल्हा शादी को यादगार बनाने के लिए शेर की सवारी पर दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा। दूल्हा एक पिंजरे के ऊपर बैठा था जिसके अंदर शेर बंद था और पिंजरे से दूल्हे की कुर्सी बनी हुई थी। ये शादी 5 करोड़ के दहेज को लेकर भी सुर्खियों में रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर लंबे समय से अमेरिका के साथ गलत बर्ताव का आरोप लगाया है। ट्रंप ने ट्वीट कर चीन पर भी इस मामले में मदद नहीं कराने का आरोप लगाया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट की गाड़ी की लैपटॉप चोरी होने से हड़कंप मच गया। लैपटॉप में ट्रंप टावर के फ्लोर प्लान के अलावा कई संवेदनशील जानकारियां भी मौजूद थी। लैपटॉप में लैरी क्लिंटन ईमेल मामले की जुड़ी जांच का भी ब्यौरा था और पुलिस सीसीटीवी वीडियो की मदद से संदिग्धों की तलाश में जुटी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक संदिग्ध ने एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया। एम्बुलेंस लेकर फरार होते वक्त आरोपी ने एम्बुलेंस की 2 कर्मचारियों को भी कुचल डाला जिसमें एक की मौत हो गई है और भागने की कोशिश के दौरान आरोपी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चीन के चौकविंग में एक्सेलेटर में फंसे 6 साल के बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया। बच्चा अकेले एस्केलेटर पर खेल रहा था और इसी दौरान उसका बायां हाथ उसमें फंस गया। करीब 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला।